أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيد الأولين والآخرين إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صلوات الله ایک مرتبہ اور بلند تھا اللہ ہری برادران عزیز قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ کہف کی آخری آیت جو حقیقت وحی اور پیغام وحی دونوں چیزوں کی طرف بیک وقت ملتفت کرتی ہے ہمارا سرنامہ سخن ہے اور موضوع ہے مقام ختم نبوت اور انسان سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ نبوت انسان کی ضرورت ہے انسان پر ایک عظیم احسان الہی ہے کرم الہی ہے لطف کبریائی ہے کہ اس نے ہدایت کے جتنے طریقے ممکن تھے وہ سب ہمارے لیے کھول دیے سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں عقل عطا فرمائی یہ بھی اس کا لطف ہے ہمیں جمادات میں قرار نہیں دیا ہمیں نباتات میں قرار نہیں دیا ہمیں حیوانات میں قرار نہیں دیا ہمیں انسان بنایا ہمیں جوہر نطق نفس ناطقہ اور جوہر عقل سے سرفراز سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بھی اسی کا لطف و کرم عقل کا نام زبان معصومین پر بھی نبی باطن کے طور پر آیا ہے سبحان اللہ عقل نبی باطن ہے ہر فرد کے ساتھ ایک نبی بھی اللہ نے عطا کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ نبی عقل ہے جو اس کے اندر ہے لیکن یہ عقل اسے نبی باطن جو کہا گیا تو یہ ایک ادبی تعبیر ہے اور اس سے وہ کلامی تعریف جو ایک نبی کی تعریف ہے جو ایک رسول کی تعریف ہے اس میں اشتباہ نہیں ہونا چاہیے ایک ادبی تعبیر میں اور ایک کلامی اور علمی اصطلاح میں اشتباہ نہیں ہونا چاہیے نبی کے لیے بھی اسی طرح ایک تعبیر ہے نبی کو عقل ظاہر کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عقل کو نبی باطن کہتے ہیں واہ 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 نبی کو عقل ظاہر کہتے ہیں واہ 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 جب عقل مجرد
अक्ल कामिल, अक्ल तमाम अपने पूरे जमाल व जलाल के साथ किसी पैकर में ढलती है तो नबी बनता है। नबी की अजमत, बेशक। इसीलिए वो अक्ल जो हमारे अंदर है, वो अक्ल तो नारसा है लेकिन नबी नारसा नहीं है। नबी अक्ल रसा का नाम है। वो अक्ल रसा जो बारगाह इलाही तक रसा है वह है नबी। और ये भी वाज़े रहे कि आम इंसान में और नबी में जो ख़त फासिल है उस ख़त फासिल को वही के हवाले से पहचानवाया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसा कि इस आयत में मुसलसल आप समाअत फरमा रहे हैं कि इरशाद इलाही कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, कह दीजिए मेरे रसूल कि मैं एक बशर हूँ तुम्हारा ही जैसा, मगर मुझ पर वही नाज़िल हुई। कल गुफ्तगू यहाँ तक पहुँच गई थी कि आखिर हम कोशिश तो करें समझने की कि वही क्या है, किस तरीक़े से वही नाज़िल होती है, कलाम इलाही के क्या मानी है। इसमें किसी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है कि क़ुरान मजीद कलाम इलाही है। लफ्ज़ व मानी दोनों उधर से हैं, अल्फाज भी पैगंबर के नहीं हैं और मानी भी पैगंबर के नहीं हैं। पैगंबर ने एक हर्फ का, एक लफ्ज़ का, एक हर्फ का, एक हरकत का तसर्रुफ नहीं फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमाल सदाकत पैगंबर, वाह 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 वाह, ये पैगंबर ये है, वाह वाह वाह, कि जो कलाम जिस तरह नाजिल हुआ उसी तरह पहुँचाया। वाह 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 वाह, जो कलाम बनवान वही पहुँचा है उसे उसी तरीके से पहुँचाया गया। और ये भी तवज्जो रहे, कमाल सदाकत व अमानत यह है कि अगर पैगंबर पर भी कोई बात ऐसी है कि जहाँ रब अकबर ने टोका है उसको भी पैगंबर ने छुपाया नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसको भी छुपाया नहीं, वो भी बयान कर दिया। और जो बात जिस तरह नाजिल हुई, अगर हरूफ मुकत्तआत नाजिल हुए अलिफ लाम मीम उसी तरह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हा या ऐन साद उसी तरह मौजूद, अलिफ लाम रा उसी तरह मौजूद, जो जिस तरह नाजिल हुआ, हर्फ नाजिल हुआ तो हर्फ मौजूद है, लफ्ज़ नाजिल हुआ तो लफ्ज़ मौजूद है, जो जिस तरह नाजिल हुआ मौजूद है। मसला ये पेश आया कि ये नाजिल कैसे हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं, जाहिर सी बात है कि आज कुछ इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मजलिस ताखीर से शुरू हुई है, लेकिन अगर वक्त पर शुरू होती तब भी दामने वक्त में कितनी गुंजाइश है, इतनी गुंजाइश बहरहाल नहीं है कि वो हकीकत वही को समझ सकें। वही की हकीकत सरमदी है, जमानी नहीं है। हकीकत वही सरमदी है, हकीकत वही जमानी नहीं है। जो लोग हजरत मीर दामाद, मीर मोहम्मद बाकिर दामाद रहमतुल्लाह अलैह, रिज़वानुल्लाह तआला अलैह, जो उस्ताद थे मुल्ला सदरा के, और तारीख़ फ़िक्र बशरी में जिनका एक लक़ब अल्मुअल्लिमु थालिस भी है, मुअल्लिमुल अव्वल,
सुकरात पर इतलाक करते हैं या अरस्तु पर, दोनों मुअल्लिम थानी फाराबी पर इतलाक करते हैं, मुअल्लिम सालिक मीर बाकिर दामाद पर। ये वाज़े रहे कि मीर बाकिर दामाद एक ही शख्सियत हैं, दो शख्सियतें हैं। ऐसा न समझिएगा कि मीर बाकिर अलग हैं दामाद अलग हैं। मीर बाकिर दामाद एक शख्स, मीर बाकिर दामाद ने जो क्रिएशन की थ्योरी पेश की है और इसको समझने और समझाने के लिए जो थ्योरी पेश की है, उस थ्योरी का नाम है नज़रिया हुदूथ दहरी। उनकी इबारतें बहुत मुश्किल हैं और लोगों को वो इबारतें समझने में बहुत दुश्वारियां पेश आई हैं, लेकिन बहरहाल वो थ्योरी अपनी जगह वैलिड है। हमारे जैसे कुछ दीवाने तालिबे इल्म ऐसे होते हैं हर दौर में जो ऐसी थ्योरीज पर भी काम करते रहते हैं। उन्होंने फरमाया कि तीन हकीकतें हैं, एक है सरमद, एक है दहर, एक है ज़मान। तीन दायरे बनाए आलम मुमकिनात में, आलम मौजूदात में, आलम हस्ती में। जब आप नज़र डालेंगे तो दो तरह की चीज़ें मिलेंगी, कुछ चीज़ें साबित हैं जिनमें कोई तगैर नहीं है, कुछ चीज़ें मुतगैर हैं जिसमें मुसलसल तब्दीली हो रही है। अगर इस मुतगैर कायनात पर नज़र डालेंगे आप, तो हज़रत अल्लामा इक़बाल का वो मिसरा अपनी जगह एक बड़ी हकीकत है कि सबात एक तगैर को है ज़माने में, लेकिन ज़माने में सबात एक तगैर को है ज़माने में, ज़माने में जो ज़मान है टाइम, उसकी हकीकत तगैर है। लेकिन जितनी चीज़ें हैं इस कायनात में वो दो तरह की हैं, कुछ साबित हैं कुछ मुतगैर। कुछ चीज़ें साबित हैं कुछ चीज़ें मुतगैर हैं, कुछ चीज़ों में मुसलसल तगैर है कुछ चीज़ों में सबात। अब हैरत न कीजिएगा कि किस चीज़ में तगैर है और किस चीज़ में सबात। मैं जो तकरीर कर रहा हूँ अभी, ये तकरीर इसका इसकी सिफत है तगैर, ये ज़मानी हकीकत है। गुफ्तगू कर रहा हूँ, मेरे लब हिल रहे हैं, मेरी ज़बान हिल रही है और आवाज़ पैदा हो रही है और एक तमव्वुज है जो फ़ज़ा में हो रहा है। और जब एक घंटा पूरा हो जाएगा या मेरी तकरीर पूरी हो जाएगी तो ये तकरीर ख़त्म हो जाएगी, तकरीर ख़त्म हो जाएगी। अभी जो पहला जुमला मैंने कहा था वो ख़त्म हो चुका। जो जुमला आगे कहने वाला हूँ वो अभी कहूँगा तो वजूद में आएगा, नहीं कहूँगा तो आदम। ये हकीकत ज़मानी है, मगर जब तकरीर मुकम्मल हो जाएगी या जितनी भी मुकम्मल हुई है इस वक्त तक, उस तकरीर ने एक और चीज़ खल्क कर दी है जो आपके जहनों में बाकी है। ये जो तकरीर है यह है ज़मानी, वो चीज़ जो तकरीर से पैदा हुई वो शबो रोज़ के तगैर से बाला हो गई। एक ज़मानी हकीकत समझे आप, तकरीर ज़मानी हकीकत है। कितनी देर तक तकरीर कर सकता हूँ? लाख नजमुल हसन जाफरी साहब कहें कि मैंने आपको बुलाया ही है तकरीर के लिए, आप तकरीर करते रहिए और कहीं कीजिए या ना कीजिए, कम से कम मेरे यहाँ से लेकिन मैं चाहूँ भी तो नहीं कर सकता। ये ज़मानी हकीकत, थक जाऊँगा, रोकनी पड़ेगी तकरीर, ख़त्म करनी पड़ेगी गुफ्तगू कहीं ना कहीं जाकर,
कोई भी अमल हो जो इस हिसारे जमा में है, वाह 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 वाह, जो अमल शुरू होगा वो जरूर खत्म होगा। वाह 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 वाह, जो अमल शुरू होगा वो जरूर खत्म होगा, लेकिन जिसके शुरू होने का इल्म हमें नहीं है, जिसके लिए शुरू मुतसव्वर ही नहीं है, जिसके लिए आगाज नहीं है उसके लिए अंजाम भी नहीं है। वो हकीकत हमेशा से है, हमेशा रहेगी। आगाज और अंजाम उन चीजों का, उन अफ़आल का होता है जो हिसारे जमा में हैं। ये जमानी चीजें हैं कि जिनका आगाज है और अंजाम, और जिन चीजों का ना आगाज है ना अंजाम वो जमानी नहीं है, वो सरमदी हैं। वो सरमदी हैं। और अब जब गुफ्तगू आ गई है तो कह के गुजर जाऊं, ताकि कोई फलसफे का संजीदा तालिबे इल्म हो तो वो इस मसले को, इस गुत्थी को सुलझा सके। ये जो अर्ज़ कर रहा हूँ कि दो चीज़ें, एक साबित एक मुतगैर, तो रिश्ते तीन किस्म के बनते हैं। एक रिश्ते मुतगैर, शय का मुतगैर से रिश्ता, और एक साबित का साबित से रिश्ता, और एक साबित का मुतगैर से रिश्ता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। साबित का साबित से ताल्लुक, साबित का मुतगैर से ताल्लुक, और मुतगैर का मुतगैर से ताल्लुक। चौथी कोई शक्ल नहीं बन सकती। इन तीनों ताल्लुकात की दुनिया अलग अलग है। साबित का साबित से ताल्लुक आलम सरमद में है, मुतगैर का मुतगैर से ताल्लुक आलम जमान में है, और साबित का मुतगैर से ताल्लुक आलम दहर में है। सरमद, दहर, जमान। चूँकि यहाँ दहर की मानवियत पूरी तरह उभर के आती है, इसलिए इस थ्योरी का नाम पड़ गया नजरिया हुदूसे दहरी। वाह 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 वाह, क्योंकि इसमें दहर का कलिमा आया, और दहर को जमान से मुमताज़ और मुमय्यिज़ करके बयान किया गया। और ये मीर बाकिर दामाद का बहुत मशहूर फलसफा है, सादा तौर पर मैंने अर्ज़ कर दिया। वही इलाही इस आलम जमान में जब आती है तो अल्फाज उसकी ज़रूरत हैं, लेकिन ये वही इलाही जब ज़ात हज़रत हक से सादिर होती है तो अल्फाज की मोहताज नहीं है। ज़ात हज़रत हक साबित है और उसकी सिफतें भी उसमें साबित हैं। वही इलाही बसूरत इल्म ज़ाती इलाही, ज़ात इलाही में है, ज़ात इलाही में है, लेकिन बसूरत कलाम, बसूरत कलाम ये परवरदिगार आलम जिस शय में जब चाहे खल्क फरमा दे। सुभान अल्लाह, लफ्ज़ खल्क यहाँ आएगा, बहुत बड़ी कलामी बहस है। खल्क आएगा, रब अकबर, कल यही तो बहस थी कि किस तरीके से आवाज़, नहीं उसकी ज़ात मुबारक से, उसकी ज़ात मुकद्दस से, मुनज़्ज़ह है वो, मुनज़्ज़ह है कि वहाँ ये तसव्वुर किया जाए कि हलक है, ज़बान है, होठ हैं, मखारिज हरूफ हैं, जैसे हम अदा करते हैं करत के साथ, तजवीद के साथ, वैसे वो अदा करता है, वो जिस्म जिस्मानियात से मुनज़्ज़ह है। लेकिन जब वो वही फरमाना चाहता है तो उसने ख़ुद कुरान मजीद में पूरी हकीकतें वहीं पर रोशनी डाली है। लेकिन कबल इसके कि मैं वो आयत पेश करूँ, मैं ख़ुद कलिमे वही को ये देखूं कि अरबी ज़बान में इस कलिमे वही के मानी क्या हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह।
अरबी का एक बहुत मशहूर ज़बानदान और लुगत निगार है कि जिस पर इल्म इश्तिकाक और इल्म लुगत तमाम है, अबू हुसैन इब्ने फारिस, उसकी किताब है मुअज्जमो अल-मकाईस लुगह या अल-मकाईस फिल लुगह। वो लिखता है कि वही अलवाओ वल्हा वल्हर्फुल मुअतल अस्लुन यदुल्लु अला इल्का इल्म फी इख्फा। वाव है और हर्फ मुअतल यानी ये वही, वही एक असल है, एक कलिमा है, एक लुगत है जिसमें मानी है इल्म का इल्का करना मगर इख्फा में, छुपा कर पर्दे में। इल्म अता करना पर्दे में, ये लुगत है, ये जबान है। अब देखिए कुरान मजीद क्या कहता है, वमा कान लिबशर أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب سبحان الله سبحان الله أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم। क्या आयत है, एक एक कलिमा, एक एक कलिमा गौर तलब है। वमा कान लिबशर, किसी बशर के लिए ये रवा नहीं है, किसी बशर के लिए ये रवा नहीं है, अय्युकल्लिमहुल्लाह कि अल्लाह उससे बराह रास बिला वास्ता बात करे। वाह वाह वाह, क्यों बशर है हकीकत जमानी, ज़ात अहदी है हकीकत सरमदी। तो ये मुमकिन नहीं है कि किसी भी बशर से परवरदिगार बिला वास्ता बिला फसल गुफ्तगू करे, किसी से भी। कुरान की आयत है वमा कान लिबशर अन युकल्लिमहुल्लाह इल्ला वहयन, मगर ये कि वो बसूरत वही गुफ्तगू करेगा। बसूरत वही के मानी क्या, वो इल्का करेगा इल्म पर्दे में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वहयन औ मिन वराए हिजाब, वाह वाह वाह, किसी वही के जरिए या पर्दे के पीछे। पर्दे का तज़किरा याद रखिएगा, वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, पर्दे का तज़किरा याद रखिएगा। और औ युरसिल रसूलन, या कोई फरिश्ता भेजे, फयूहिया बिइज़्ने मा यशा, तो वो फरिश्ता जो अल्लाह चाहे वो अल्लाह के इज़्न से, अपनी तरफ से नहीं, अल्लाह के इज़्न से वो रसूल तक या बशर तक पहुँचाता है, अम्बिया तक वही आती है, लेकिन गैर नबी तक भी वही आती है, जिसे इस्तिलाहन नबी नहीं कहते। जनाब मरियम को आप नबी कहते हैं? जनाब मरियम को नबी कहते हैं? नहीं कहते। जनाब मरियम पे वही आई थी कि नहीं? वही आई थी। जनाब मरियम ने फरिश्ते को देखा था या नहीं? देखा था। जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने फरिश्ते को देखा भी और फरिश्ते से गुफ्तगू भी की, अगरचे मनसब नबुवत पर फायज न थी। कुरान, कुरान की कसम, कुरान की कसम, कुरान की कसम देकर मैं मुसलमानों से पूछता हूँ कि वो जनाब मरियम को नबियों की फहरिस्त में नहीं रखते, फिर भी इसका इनकार नहीं कर सकते कि जनाब मरियम ने फरिश्ते को देखा भी, फरिश्ते की आवाज़ भी सुनी, फरिश्ते ने उनसे गुफ्तगू भी की और फरिश्ते लाकर उनके यहाँ ग़िज़ा भी पहुँचाते थे, बहिश्त के फल भी पहुँचाते थे, यहाँ तक के मरियम पर रहमत बारी और करम बारी देखकर
अपने वक्त का नबी भी एक मर्तबा हैरत ज़दा होकर पूछता था, ए मरियम ये कहाँ से? ये सब कुरानी मंजर है ना, इससे नबूवत का मर्तबा घट नहीं जाता। ये खुदा की माँ जनाबे मरियम वो फरिश्ते को देखती भी हैं, फरिश्ता गुफ्तगु भी करता है, फरिश्ता उनके लिए ग़िज़ा भी लाता है, किसी को एतराज नहीं होता। और मकामे खत्मी मर्तबत पर फायज मुस्तफा की बेटी फखरे मरियम, फरिश्ते आते थे, खिदमत गुजारी करते थे, बच्चों का झूला झूलाते थे, बीबी की चक्की पीसते थे। सुभान अल्लाह, क्या बात! सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया कहती है गुलू कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, दीवाने हो गए हैं, गुलू कर रहे हैं, मकाम नबूवत से पढ़ा देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जबकि फर्क है, बहुत फर्क है जनाब ईसा के मरतबे अपनी जगह हजरत मुस्तफा के मरतबे। एक और बुलंद तर गुफ्तगू तो हकीकत वही से मुतालिक हो रही है। वही यानी इल्काए इल्म खिफा में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इख्फा में छुपा कर वही है। जब परवरदिगार किसी को छुपा कर इल्म देता है फरिश्ते के जरिए या किसी पर्दे के पीछे, तो वो वही कहलाती है। कुरान की आयत मैंने पढ़ी है आपके साथ, और इस कुरान की आयत का इख्तिताम किस पर हुआ है फ़िक्र का? देखिए, ये एक बहुत ही तफसीरी, तावीली और ताबीरी एक कलीद है जो अर्ज कर रहा हूँ आपके साथ। अदबी हवाला दे दूँ, देखिए किसी शेर या किसी इबारत को हल करने के लिए आम तौर पर तलाश किया जाता है कि इसमें कलीदी फिक्रा कौन सा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कलीदी कलिमा कौन सा है। वो एक कलिमा या एक लफ्ज़ या एक फिक्रा जिस पर पूरे शेर या पूरी इबारत की असास हो, अगर वो हाथ आ जाए और समझ में आ जाए तो पूरी इबारत सुलझती चली जाती है। यही सूरत आयात कुरानिया में, और आयात कुरानिया में उमूमन जो आयात के आखिर में कलमे आते हैं उन पर गौर करने की ज़रूरत है, और उसके बाद आयत की मानवियत और खुलती चली जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बिला सबब नहीं है कि इस आयत के आखिर में कहा गया इन्नहु अलीयुन हकीम, वाह 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 वाह, वो खुदा वो है जो बुलंद है और हिकमत वाला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अली के मानी बुलंद ही हैं, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। अली के मानी बलन और कोई मानी नहीं, अली यानी बलन, और जो अली से फिरे वो पस्त होगा बलन। अली यानी बलन, इन्नहु अलीयुन हकीम। यहाँ पर कोई और कलिमा क्यों नहीं आया? मैं रोज़ अव्वल से कह रहा हूँ कि हकीकत वही हकीकत नबूवत बरबिनाए लुत्फ है, तो यहाँ इन्नहु लतीफ़ुन खबीर क्यों नहीं आया? वाह 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 वाह।
सुभानअल्लाह और हमारे आए इन्नहु रऊफुर रहीम क्यों नहीं आया, वो रऊफ है रहीम, राफत और रहमत का जिक्र होना चाहिए, लुत्फ और खबर का जिक्र होना चाहिए, अली उन हकीम क्यों आया। वाह 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 ये गौर फरमाने की बात है। अल्लाह सुभान अल्लाह क्या कह रहे हैं। अगर कोई इंसान लिखता कुरान तो वो लतीफ़ खबीर लिख देता है, क्योंकि वही यानी खबर, तो खबर देने वाला खुद खबीर होगा तब तो खबर देगा। वाह 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 वाह। इंफॉर्मेशन देने वाला खुद इंफॉर्मेशन रखता होगा तो इंफॉर्मेशन देगा, और अगर वो खुद इंफॉर्मेशन नहीं रखता होगा तो इंफॉर्मेशन क्या देगा। तो आसमानी खबर लाना देना, गैब की खबर देना वही दे सकता है जो खुद खबीर हो। अगर इंसान लिखता तो खबीर लिख देता। और चूंकि खबर देना इल्म देना एक लुत्फ है, एहसान है, करम है, इसलिए उससे पहले लतीफ़ लिख देता, इन्नहु लतीफ़ुन खबीर। ग्रामेटिकली कोई सुकून पैदा नहीं होता, बेशक ग्रामर बिल्कुल एज इट इज जो कि तू अपनी जगह सलामत है। वमा कान अल बशरिन अन युकल्लिमहु अल्लाह इल्ला वहयन औ मिन वराए हिजाब औ युरसिल रसूलन फयूहिया बिइज्निही मा यशा इन्नहु अलीयुन हकीम। इन्नहु लतीफ़ुन खबीर नहीं है, इन्नहु रऊफ़ुर रहीम नहीं है, इन्नहु अर्रहमानुर रहीम रहमान रहीम नहीं, कोई कलिमा नहीं, इन्नहु अलीयुन खबीर। इसके मानी क्या है? चूंकि मालूम था कि ज़हन बशरी जरा जरा सी बातों में शिर्क को कुफ्र आलूद हो जाता है, इसलिए हर उस मकाम पर जहां कोई भी शायबा पैदा हो सकता था कि ज़ाते बारी को मकानी या जमानी हवालों से समझा जाए, वहां कह दिया गया बुलंद है उसकी ज़ात ज़मानों मकान से। बुलंद है उसकी ज़ात ज़मानों मकान, बेशक कहीं ऐसा ना हो कि वही का तसव्वुर आ जाए तो तुम ये समझो कि उसकी ज़बान है, वो जिस्म रखता है, वो वैसे ही बोलता है जैसे तुम बोलते हो, नहीं वो बुलंद है इन बातों से, बुलंद है, पाक है, मुनज़्ज़ा है, इन्नहु अलीयुन वो बुलंद है। ये बुलंदी पहले बताना इसलिए जरूरी है ताकि ज़हन बशरी उसे एक ज़मानी मकानी जिस्मानी हकीकत में समझ ले, सुभान अल्लाह, और फिर उसके बाद चारा नहीं है कि हकीम कहा जाए। वाह 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 वाह। कि वो बुलंद होने के बावजूद ऐसी हिकमत वाला है कि वो सरमदी है मगर जमानी शख्सियत को भी इल्म अता कर सकता है जैसे चाहे। बहुत दकीक मसाइल है इल्म तौहीद के, ये इल्म तौहीद के दकायक हैं, बहुत दकीक मरहले इल्म तौहीद बारी, सादा बात नहीं है। वो इल्म देता है फरिश्ते के जरिए, वही के जरिए, हिजाब के जिस चीज को चाहे वो हिजाब तकल्लुम बना ले। मूसा को कोहे तूर पर बुलाए, दरख्त से आवाज आने लगे, दरख्त में से आवाज आती है तो क्या दरख्त में हलक है, जबान है, दांत है, मखारिज हुरूफ है? दरख्त के न दहन है न जबान, मगर आवाज साफ सुनते हैं जनाबे मूसा, मैं हूँ अल्लाह, मैं हूँ माबूद, कोई मेरे अलावा माबूद नहीं है। या जब नबुव्वत और इर्तिका के मराहिल तक पहुंचती है, नबातात नबात हैवान से करीब है, जमात उससे दूर है,
भाई जमादात हैं, फिर नबातात हैं, फिर हैवानात हैं ना, पहले जमादात हैं। तो जिंदगी की सिफत ज्यादा कहाँ आश्कारा है, जमाद में या नबात में? नबात में। तो नबातात से आवाज का आ जाना इब्तिदा है, उसके बाद वो नबी आने वाला है जिसके सामने जमादात कलमा पढ़ेंगे। उसके बाद जो रसूल आएगा जो फखरे मूसा होगा, इर्तिका का सफर देखिए, जो फख्र और बलंतर सलावत पढ़ दीजिए। जनाब मूसा के लिए सिर्फ दरख्त बोला था, अब जो पैगंबर आएगा उसके लिए दरख्त बोलेगा नहीं, बोलेगा भी चलेगा भी। इर्तिका का सफर है। जनाब मूसा के लिए आ गया दरख्त के पास जाओ, मुस्तफा के लिए क्या किया गया, दरख्त से कहा मुस्तफा के पास। मुस्तफा इशारा करते हैं दरख्त चला जाता है, फिर इशारा करते हैं फिर दरख्त चला जाता है। यह मकाम मुस्तफा। संग्रेजों को उठा लेते हैं वो कलमे पढ़ने लगते हैं, दरो दीवार सलाम करते थे, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। दरो दीवार से पत्थरों से आवाज आती थी, कैसे पत्थर दिल वाले हैं वो जो आज अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह नहीं कहना चाहते। حکمت خدا یہ بلند ہے، وہ سرمدی حقیقت ہے، ہم زمانی ہیں، سرکار دو عالم اس دنیا میں ایک زمانی حقیقت بن کر آئے تھے، ایک زمانی حقیقت بن کر آئے تھے۔ وہ یہاں پر ایک زمانی حقیقت بن کر آئے تھے، ایک مختصر عمر لے کر آئے تھے، مگر کیا پربرکت عمر تھی، کیا پربرکت زندگی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے اس خاک نائے دہر میں آ گئے، ابد الآباد تک کے لیے اجالا ہو گئے۔ ابد الآباد تک کے لیے اجالا ہو گیا، اور جب وہ یہاں آئے تو پھر جو گفتگو خدا نے کی وہ ظاہر ہے وحی کے ذریعے کی، اور جو وحی کے کلمات آئے وہ پیغمبر نے پوری امانت داری کے ساتھ پہنچائے۔ یاد رکھیے گا کہ وحی کی تفسیر میں ہرگز ہرگز یہ سوال، یہ ذہن میں بات نہ آ جائے کہ الفاظ بھی قدیم ہوتے ہیں، الفاظ حادث ہیں، الفاظ مخلوق ہیں، مگر کس کے مخلوق؟ حق کے مخلوق، اللہ سبحانہ و تعالی جس چیز میں چاہے کلام خلق کر دے، درخت میں خلق کر دے، ذرے میں خلق کر دے، پتھر میں خلق کر دے، جس کے لیے چاہے خلق کر دے، نبی کے لیے چاہے، چاہے امام کے لیے، چاہے وصی کے لیے، چاہے عیسیٰ کے لیے، چاہے مریم کے لیے، چاہے مصطفیٰ کے لیے، چاہے زہرا کے لیے،
उसकी कुदरत पर आप कोई फतवा लगा सकते हैं, हम पे लगा सकते हैं, अल्लाह पर फतवे नहीं लगा सकते। हमारे सिलसिले में जो चाहें कह लें आप, मुख्तार हैं, खुद साख्ता मुजाज हैं। लेकिन अल्लाह सुभानहु व तआला पे आप फतवे जारी करके अपना ही नुकसान करेंगे। वैसे हम पर भी फतवा जारी करके आप ही का नुकसान होगा। और खूब फतवे जारी कीजिए, मगर एक बात दस्ते अदब जोड़ के कहता हूँ कि जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी की एक हदीस याद रखिएगा, जिसके लिए बहुत से उलमा ने कहा है कि ये तवातुर के साथ हदीस आई, मुतवातिर हदीस है। तवातुर का दावा बहुत कम हदीसों के सिलसिले में किया जा सकता है, मगर इस हदीस के लिए तवातुर का दावा अक्सर उलमाए इस्लाम ने किया है, और वो ये है कि मन अफ्ता बग़ैर इल्मिन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो बग़ैर इल्म के फतवा दे दे उसका ठिकाना जहन्नम है। हासिल करके किताब खुदा का इल्म, सीरत मुस्तफ़ा का इल्म, हदीस का इल्म, पूरा पूरा इल्म हो, उसके बाद फतवा दीजिए, इंशाअल्लाह माजूर होंगे। मगर अगर आपका फतवा किताब खुदा के खिलाफ हो गया, अगर आपका फतवा हदीस पैगंबर के खिलाफ हो गया, अगर आपका फतवा सीरत पैगंबर के खिलाफ हो गया, अरे मैं क्या अर्ज करूँ आपसे। आज हम जाते हैं अतबे पैगंबर, पैगंबर की चौखट छूना चाहते हैं हाथ से तो मना किया जाता है, उसे शिर्क कहा जाता है। और तमाम हदीस की किताबों में है कि पैगंबर 8 महीने तक सुबह की नमाज के लिए उठते थे तो पहले जाते थे और दरे जहरा पर खड़े होकर चौखट पर हाथ रख के कहते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत। सब्र करें, जब्त करें, अभी मुझे कुछ अर्ज करना है, अभी कुछ अर्ज करना है। बार आ तो दरमियान में बातें आ जाती हैं और अर्ज करता हूँ, दरमियान में जबान पे जो बात आती है वो करता हूँ। और यकीनन ये आपका गिरिया मोहब्बत पैगंबर है, खुदा आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं कभी गिरिए से मना नहीं करता, फ़ज़ाइल में रोइए चाहे मसाइब में, इनके मसाइब भी फ़ज़ाइल हैं, इनके औसाफ हैं जो मसाइब की शक्ल में सामने आए। बात वही की हो रही है, हकीकत वही को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि बुलंदी ज़ात इलाही महफूज रहे। ऐसा ना हो कि ज़ात इलाही को आप उसकी तजसीम करें, वो जिस्म रखता है, वो ज़मानी है, वो मकानी है, नहीं, नऊज़ु बिल्लाह, वो मुनज़्ज़ह है, बुलंद है, जहाँ जहाँ ये शायबा हो। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। इसीलिए मैं याद दिला दूँ, यहाँ वही की बात हुई तो आखिर में कहा इन्नहु अलीयुन हकीम, वो बुलंद है और हिकमत वाला है, बेशक, यानी उसे बशर से गुफ्तगू करने के लिए नीचे आने की ज़रूरत नहीं। बहुत सी रिवायतें, बहुत सी हदीसें, समझिएगा, उसे नीचे आने की ज़रूरत नहीं है, उसे उतरने की ज़रूरत नहीं है, वो जिसे चाहता है ऊपर बुलाता है, तो नीचे नहीं। नीचे नहीं आता, वो जिसे चाहता है ऊपर बुलाता है, और जब ऊपर बुलाता है तो वहाँ भी बंदे को बुलाया, अपने अब्द को बुलाया, है साहिबे वही पैगंबर को बुलाया, और जितने तरीके वही के थे, चूंकि ये मकाम खत्म नबूवत पर फायज होने वाले थे, तो जितने तरीके वही के मुमकिन थे वो तमाम तरीके भी तो पूरे होने थे। सुभान अल्लाह, इल्का ए इल्म के
इता इल्म के जितने तरीके थे वो सब तरीके अगर पूरे न हो जाते तो खत्म नबुवत पर मुहर कैसे लगती। जितने तरीकों से खुदा इल्म दे सकता था उतने तरीकों से इल्म दिया। तमाम अंबिया के ऊपर जो वही आई है वो तमाम किस्में मुश्तमा है हमारे पैगंबर और उनसे बरतर ये कि किसी सब को जमीन ही पर रखकर गुफ्तगू की। ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाया तो कोहे तूर तक उठाया। मकामे खत्मे नबुवत से गुफ्तगू करना चाहिए तो कहा नहीं, तूर की बुलंदी ना काफी है, और ऊपर आओ और ऊपर आओ और ऊपर आओ। दना फतदल्ला फकान काब कौसैन औ अदना। अच्छा, हर बात का एक मौका होता है, एक महल होता है। जैसी बात होती है वैसी जगह होती है। वाह 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 वाह। जैसी बात होती है वैसी जगह होती है। दो दोस्त हैं, दोनों आपस में बिजनेस पार्टनर भी हैं और दोनों आपस में फर्ज कीजिए कि कोई और हॉबी भी है, टेनिस भी खेलते हैं, मिसाल दे रहा हूँ। तो मुलाकात तो उनकी कई जगह होती है, टेनिस खेलते वक्त भी मुलाकात होती है, ऑफिस में भी मुलाकात होती है, घर पे भी मुलाकात होती है, राह चलते रास्ते में भी मुलाकात होती है। हर जगह हर बात नहीं होती। कोई ख़ास बात ऐसी हो जो पायदार हो, दायमी हो, अबदी हो, उसका दूर रस नतायज और असरात हों, और वो टेनिस खेलते वक्त कहे भाई ये बात सुन लो, कहेगा भाई ये मौका इस बात का नहीं है, कहेगा नहीं। अगर हकीम है तो कहेगा नहीं। नादान तो ऐसी बातें कर सकता है, दाना ऐसी बात नहीं करेगा नहीं। यहाँ की जो बात है, अब आम इंसानों की बात थी कि इन्हें वजू करना सिखाना है, इन्हें गुस्ल करना सिखाना है, इन्हें नमाज पढ़ने का तरीका बताना है, इन्हें अजान देने का सलीका बताना है, इनको निकाह के आदाब बताने हैं, इनको तलाक के अहकाम बताने हैं, इन्हें मीरास के अहकाम बताने हैं। ये सब ज़मीनी बातें थी जो ज़मीन पर वही आती रही। उन्हीं के दरमियान रहो, हम जिब्राइल के जरिए से वही भेजते रहेंगे, इन तक पहुंचाते रहो। मगर एक बात ऐसी थी जो जमान को दहरो सरमत से मिलाने वाली थी। एक मसला ऐसा था कि पैगंबर नबुवत तुम पर ख़त्म हो रही है और दुनिया वालों का हाल हम जानते हैं, तुम भी जानते हो। हर नबी ने मेरी तौहीद का कलमा पढ़ाया मगर बाद में उम्मत वाले भूल गए। हर नबी ने नबुवत समझाई मगर उम्मत ने भुला दी। हर नबी ने आखिरत से डराया मगर उम्मत वाले गाफिल हो गए। हर नबी ने शरीयत पेश की मगर उम्मतियों ने शरीयत में तहरीफ कर दी। इसलिए नबी तुम्हारे बाद अब कोई नबी नहीं जाएगा, तो एक मुस्तकिल ऐसा मनसब भी रखना है। जो तगैयुरात ज़मान से बुलंद हो, जो मनसब
तरीका हो, बुलंद हो बुलंद। ये बात मकाम खत्म नबुवत से मुताल्लिक थी, हिफाजत खत्म नबुवत के लिए और कयाम कयामत तक के लिए थी। क्या ये बात पूरी जमीन पर नहीं होगी? ये बात तूर की बुलंदी पर नहीं होगी? ये बात फारान की बुलंदी पर नहीं होगी? मेरे हबीब, मेरी खलवतगाह में आ जा। और वहां भी बुलाया, वहां भी बुलाया तो कुरान मजीद में जो इरशाद इलाही है, बुलाया था किस लिए? वहां पर अल्लाह ने जो चाहा वही की, वहां भी वही है, वहां भी वही है। मेराज में वहां भी है वही। बेशक वो कौन सी वही थी जो वहां जरूरी थी? सारी वही यहाँ आ सकती थी, वो कौन सी वही थी जो वहां जरूरी थी? कुरान है आखिर कुरान, रिवायत नहीं अर्ज कर रहा हूँ। मेराज का जिक्र भी कुरान में है, वही का जिक्र भी कुरान में है, जमीनी वही भी कुरान में है और वो मेराजी वही भी कुरान में है, कुरान में है। लेकिन वहां भी वो उसूल नहीं टूटा कि वमा कान अल बशर अन युकल्लमहु अल्लाह इल्ला वहयन औ वराए हिजाब, कि परवरदिगार किसी बशर से गुफ्तगू नहीं करेगा मगर वही के जरिए या हिजाब के पीछे। बुलाया वहां भी मगर जरूरी था ये फासला भी रखना जो दो कमानों का फासला कहलाए, ताकि मखलूक मखलूक रहे खालिक खालिक। मोहम्मद उम्मत ईसा की तरह गुमराह न हो जाए। तौहीद 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 सलामत रहे। इसलिए दो कमानों का फासला रहा और इसीलिए दरमियान में हिजाब भी रहा। अब जब हिजाब था और कलाम था तो हर जगह कलाम का एक वास्ता रहा। जमीन पर वही आई तो जिब्राइल का वास्ता, मूसा पर तूर पर वही आई तो दरख्त का वास्ता, पैगंबर पे पैगंबर से गुफ्तगू हुई मकाम काब कौसैन औ अदना पर, और दरमियान में हिजाब भी रहा तो किसी का वास्ता तो होगा। ये मुमकिन नहीं है कि वास्ता न हो। नहीं जानते अल्लाह ने जिसे भी अपना वास्ता बनाया हो हम उसे लिसानुल्लाह तो कहेंगे। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। फैसला कर सकता है कि जमीन पर किसे वास्ता बनाए, पहाड़ पर किसे वास्ता बनाए, अपनी खलवत गाह में किसे वास्ता बनाए। लेकिन वहां जिसको भी वास्ता बनाया वो लिसानुल्लाह तो कहे। वो लिसानुल्लाह है। वाह वाह वाह।
जिसे अल्लाह ने वास्ता बनाया गुफ्तगू का अपने हबीब से, वो लिसानुल्लाह है। उसका लहजा, उसके लहजे की गूंज कहाँ नहीं है। हमारी जानें कुर्बान हो जाएं खतीब नहजुल बलागा पर, जिसके लहजे की गूंज फर्श से अर्श तक। उसी के लहजे की गूंज है, मुस्तफ़ा उसी लहजे से मानूस हैं। क्योंकि उसी लहजे से मानूस हैं इसलिए खुदा उन्हीं के लहजे में गुफ्तगू करता है। ये हकीकत है, ये हकीकत है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये लाजमी है, गुफ्तगू होगी तो ज़बान ज़रूरी है, आवा अल्फाज होंगे तो लहजा ज़रूरी है। क्या वो जिसके वास्ते से चाहे लहजा खल्क करे, जिसके वास्ते से चाहे लहजा खल्क करे। जो दरख्त को वास्ता बना सकता है तो किसी का दिल नहीं दुखता, अली वास्ता बन जाते हैं तो दिल दुखता है। पत्थर से आवाज आई तो पत्थर दिलों को ये गरा नहीं गुजरती बात। और तरकीब पे गौर न कीजिएगा इस वक्त। वैसे ऐसी ऐसा कोई सुकून भी नहीं है जबानी लिसानी एतबार से। जब हम कहते हैं दरख्त से आवाज आई कोई तकलीफ नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं। जब हम कहते हैं लहजा मुर्तजा में आवाज, हम नहीं कहते, ये हम नहीं कहते, पैगंबर से पूछा पूछने वाले ने, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत है, उनसे रिवायत है। पूछने वालों ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, जब आप मेराज पर तशरीफ ले गए थे तो आपके रब ने आपसे किस लहजे में, किस जबान में बात की, किस जबान में बात की। जवाब फरमाया कि मुझे मेरे रब ने खिताब किया अली की जबान में, अली के लहजे में। जिनकी हिम्मतें बुलंद हैं, जो ज़हन रसा रखते हैं, अक्ल रसा रखते हैं, वो समझते हैं। और जिन्हें अली की बातें समझ में नहीं आती, मैं कह चुका अली के मानी बुलंद के हैं। जो इतना बुलंद न हो कि अली तक पहुंच सके तो नबी तक क्या पहुंचेगा। नबी तो बहुत बुलंद है, अली बुलंद है, नबी बहुत बुलंद है। अली बुलंद है, नबी बहुत बुलंद है। जो इतना बुलंद न हो सके कि अली तक पहुंचे, वो नबी तक क्या पहुंचेगा। नतीजा ये होगा कि फिर वही भी समझ में नहीं आएगी, पैगाम भी समझ में नहीं आएगा। बस गुफ्तगू आज रोक रहा हूँ। अली हमेशा खलवतों का साथी रहा, बेशक जलवतों में तो रहा ही साथ, लेकिन जब भी कोई तन्हाई मिली तो अली ने उस तन्हाई से फायदा उठाया। वाह 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 वाह। कुरान गवाह है। कुरान में एक आयत आई कि जो भी मेरे रसूल से तन्हाई में मुनाजात और गुफ्तगू करना चाहे वो पहले सदका दे फिर गुफ्तगू करे। थे तो बड़े बड़े मालदार, मगर जब इश्क मुस्तफ़ा देखिए, अगर आप किसी से इश्क रखते, इश्क इश्क इरादत मोहब्बत कमाल मोहब्बत, तो फिर आप तो मौका तलाश करेंगे कि तन्हाई में मुलाकात का मौका मिले। वाह 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 वाह।
और अगर बात इतनी ही है कि भाई थोड़ा सा सत्ता दे, कोई मुआयना भी एक दीनार दो या एक दिरहम दो, ओहद के पहाड़ के बराबर सोना दो तभी गुफ्तगू करो, एक जर्रा सदका दे दो, एक खजूर सदका दे दो, सदका दो पैगंबर से बात करो, क्या अच्छा प्रोटोकॉल था। पैगंबर से बात करो, कोई आशिक रसूल यहाँ सदाए रसूल सुनने का मुश्ताक नजर नहीं आता। जो रसूल की आवाज सुनने के लिए एक खुरमा सदका न दे सके, आगे कुछ नहीं कहूँ। जो एक खुरमा, एक दाने खुरमा सदका देकर खुद हुजूर से मुलाकात का मुतमन्नी न हो, वो माशरा अगर हुजूर की बेटी से पूरा खुरमे का बाग भी ले ले तो क्या ताज्जुब है। देकर हुजूर से गुफ्तगू कर तौफीक मैसर नहीं। अली के पास एक दीनार था, अली फकीर, अली अल्लाह का फकीर वली अल्लाह, एक दीनार था, गए फौरन और उसे दिरहमों में बदला। क्यों बदला? ताकि जितने दिरहम होंगे उतनी बार हुजूर से गुफ्तगू, उतनी बार गुफ्तगू करेंगे। और एक दिरहम दिया, हुजूर के पास गए, एक सवाल किया, फिर चले आए, दूसरा दिरहम दिया, फिर गए हुजूर से सवाल किया, फिर तफसील है, रिवायत है, अब वक्त नहीं है कि मैं पूरी रिवायत पढ़ूं, अब वक्त नहीं है, लेकिन इस रिवायत से इतना साबित हुआ कि खलवतों में गुफ्तगू अली करते हैं, चाहे वो फर्श की खलवत हो या अर्श की। अच्छा, जो गुफ्तगू का इतना मुश्ताक हो अल्लाह के रसूल से कि सदका दे कर भी गुफ्तगू करे, जो कुछ उसकी गिरह में हो सब दे दे सिर्फ गुफ्तगू करने के लिए, इश्क और इलाका तो देखे। अली हैं कौन? मैं जरा देर समझ लीजिए, समझ लीजिए हुजूर, ऐसे मौके पर कभी ये होता है कि घर वाले, ख़ानदान वाले ऐसे फरामीन को नज़रअंदाज कर देते हैं कि हम तो घर ही के हैं, ये तो दूसरों ही के लिए है। फिर अली पैदा हुए तो आगोश पैगंबर, बचपना पुश्ते मुबारक पर गुजरा, अली को अपने शाने पे बैठाते थे, मक्के की गलियों में फिराते थे, जबल नूर पे ले जाते थे, गारे हिरा में भी अली जाते थे, अली घर में रहे हमेशा, साथ में रहे, तरबियत की अली की पैगंबर ने, उसके बावजूद ये इश्क है अली का पैगंबर से कि तन्हाई में गुफ्तगू का मौका अब भी मिल रहा है तो हाथ से जाने ना पाए। कमाल इश्क अली है मुस्तफा से ये, जो इतना आशिक हो मुस्तफा उसके लहजे से मानूस ना होंगे तो किसके लहजे से, किसके लहजे से मानूस होंगे। बस वक्त खत्म हो चुका, वक्त तो बहुत पहले खत्म हो चुका, मगर एक सवाल सिर्फ, पहला सवाल मिले, और हजरत अली ने वो सवाल ये किया कि या रसूल अल्लाह मल वफा, वफा क्या है? अल्लाह
फरमाया अल वफा अत तौहीद, तौहीद ही वफा है। शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह कहना ये वफा है। अच्छा, किसी के जहन में ये तफसीर, ये ताबीर, ये डिफिनेशन वफा की आ सकती है? नहीं आ सकती, मगर हुजूर ने बयान किया। लेकिन बस एक गुरेज है, रिवायत में है, अली ने एक बेटे की आरजू की। वो बेटा पैदा हुआ तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा उस बेटे को अपने पास बुलाया और उसकी बड़ी बहन को भी बुलाया। एक तरफ बहन है, एक तरफ भाई, अभी नाम नहीं ले रहा हूं, और आप आंसू बरसा रहे प्यार से कहा का बेटा कहो एक, कहो वाहिद, कहो एक। बेटे ने कहा वाहिद। का बेटा अब कहो इतनैन। खामोश हो गया बेटा। का बेटा कहो इतनैन। का मुझे हया आती है, शर्म आती है, जिस जबान से एक कहा है उससे दो कैसे कहूँ। ये वही बेटा है जिसे आप पैकरे वफा कहते हैं, तौहीद में रासिख बेटा। बहन इससे कम नहीं है। बहन का सवाल और जवाब भी सुनिए। जब बेटे की जबान से ये सुना कि बाबा जिस जबान से मैंने एक कहा है, वाहिद कहा है, उससे दो कैसे कहूँ, मुझे हया आती है। ये कमाल तौहीद का जवाब है ना, बच्चे का जवाब है। किसका बच्चा है? अली का बच्चा है, अली का बेटा। पेशानी चूम ली अली ने। उधर बहन ने कहा, जब देखा कि भाई से प्यार कर रहे हैं, बहन ने कहा बाबा आप, हम बच्चों को बहुत चाहते हैं, हमसे मोहब्बत है आपको, हमसे मोहब्बत है आप। बाप क्या कहेगा? हाँ बेटा हमें बहुत मोहब्बत है। बेटी कहती है बाबा एक दिल में दो मोहब्बतें नहीं हो सकती। जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो उसमें गैर अल्लाह की मोहब्बत नहीं हो सकती। आप ये कहना चाहते हैं ना, आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, बच्चों पे आप शफ़क़त रखते हैं। हम बच्चों पे आपकी शफ़क़त है। अली ने बेटी से भी प्यार किया। अली ने बेटी की ये गुफ्तगू सुन के भी अपनी खुशनुदी का इजहार किया। मसरूर है अली, खुश है अली, मगर हमारी चश्मे तसव्वुर देखती है कि जैसे लगता है फर्त मसर्रत के बावजूद अली की आंखों में आंसू। ये कोई और नहीं, एक तरफ ज़ैनब है, एक तरफ अब्बास। तौहीद के सांचे में ढले हुए बच्चे, दामने खत्म नबूवत की हवा खाए हुए बच्चे, उस घर में परवान चढ़ने वाले बच्चे जहां आसारे वही मौजूद थे, जहां जिब्राइल के आने जाने के निशानात मौजूद थे, ये बच्चे, ये ज़ैनब और ये अब्बास। बस आज आठ मुहर्रम है, कल सज़ा खाने में आखिरी मजलिस है। आज वक्त नहीं रह गया, वक्त नहीं रह गया। बहुत कुछ पढ़ना चाहता था अब्बास की शान में, मगर ये पैकरे वफा अब्बास, ये शुजा अब्बास, ये आलिम आरिफ अब्बास, ये फकीह दाना अब्बास। रिवायात हैं, अहादीस हैं, इल्मे रिजाल की किताबें उठा के देखें, हज़रत अब्बास और उनकी नस्ल के बारे में क्या लिखा हुआ है। हज़रत अब्बास फुकहाए फरजंदाने आइमा में से,
इमामों के फर्जंदों में वो फर्जंद जो अपने अपने वक्त में फकीह थे, फकीह फुकहाए फर्जंदाने अइमा में से एक अब्बास थे। सिर्फ शजा नहीं थे, फकीह भी थे, आलिम भी थे, आरिफ भी थे, ईमान में कामिल अब्बास। और इसीलिए वो शान थी अब्बास में जो अली में थी कि शजा होने के बावजूद कभी अपनी मर्जी से शजात के इजहार के दर पे ना हुए, अम्रे मौला के पाबंद रहे, आका के हुक्म के पाबंद। हुसैन भाई थे, भाई, मगर अब्बास ने कभी भाई नहीं समझा। हुसैन को इमाम समझा, आका समझा, वली हक समझा, वसी बरहक समझा। इसलिए कोई काम अपनी मर्जी से नहीं करते थे। जैसे जैसे फर्ज की जंजीरें पहनाते गए हुसैन, अब्बास पहनते चले गए। दो मुहर्रम को काफिला जब करबला पहुंचा, सुन चुके हैं आप, दुश्मन माने हुए, दुश्मनों ने चाहा कि खैमे दरिया के किनारे न लगे, अस्हाब ने तहर्रुस किया, खतरा था कि कहीं अब्बास इस वक्त शमशीर न खींच ले। इमाम हुसैन ने बहन का सहारा लिया, जैनब बहन आप अब्बास को बुला के समझा दें। वो दो मुहर्रम से लेकर और नौ मुहर्रम तक और दस मुहर्रम तक मुसलसल यही कैफियत रही, अब्बास को समझाते ही रहे हुसैन। दुश्मन चाहता था कि आशूरा की कयामत तासुआ को बर्पा हो जाए, यानी नौ मुहर्रम ही को हमला करना चाहता था, नौ मुहर्रम को हमले के लिए आगे बढ़े, खयाम हुसैनी तक आ गए। तो जनाब अबुल फजल अब्बास तशरीफ लाए और बस एक जुमला कहा, आका दुश्मनों ने हमला कर दिया। ये खबर इस अंदाज में दी कि आका आप मुझे मना ना कीजिएगा। आप मुझे सब्र और ज़ब्त की तलकीन ना कीजिएगा, उन्होंने हमला कर दिया। आपकी यही शर्त है ना कि हम जंग में पहल नहीं करेंगे, उन्होंने पहल कर दी। हुसैन ने फिर सर ने उड़ा के कहा, आए अब्बास का मर्तबा, अब्बास गैर मासूम है इस्तिलाहन, अब्बास इस्तिलाहन गैर मासूम, मगर हुसैन जैसा मासूम, सरदार जवानान जन्नत हुसैन, फरजंद पैगंबर हुसैन, हुसैन सिबतुन मिन अल अस्वात, हुसैन। हुसैन कहते हैं, मेरे माँ बाप फिदा हो जाएं तुम पर अब्बास। सुना आपने, हुसैन ने कहा मेरे माँ बाप फिदा हो जाएं अब्बास। अरे जाके एक शब की मोहलत ले लो, तरफ से नहीं कह रहा, मेरे माँ बाप फिदा हो जाएं तुम पर अब्बास। एक शब की मोहलत ले लो, अब्बास मजबूर हो गए, अब्बास गए, तन्हा अब्बास गए। अब्बास ने मोहलत ली और पूरी शब, शबे आशूरा जिस कैफियत से, जिस सरशारी से गुजरी है, उससे आप सब वाकिफ हैं। मुअर्रखीन कहते हैं, दुश्मन कहते हैं, पूरी शब ऐसी गुजरी कि खयाम हुसैनी से जिक्र खुदा की आवाजें बुलंद थी,
तकबीर, तहमीद, तहलील, तस्बीह, कभी कोई सुभान अल्लाह कह रहा था, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा था, कोई अल्लाह अकबर कह रहा था, कोई रुकू में था, कोई कयाम में था, कोई सुजूद में था। यानी शब आशूरा हुसैन का खैमा नहीं था, अरशे इलाही बना हुआ था। जहाँ वो फजा थी जो आलम मलकूत की फजा है, जहाँ फरिश्ते, जहाँ मलाइका, कोई तस्बीह में है तो तस्बीह में है, कोई कयाम में है तो कयाम में है, कोई रुकू में है तो रुकू में है, ये कैफियत थी। ऐसी आवाज आ रही थी तस्बीह और तहलील इलाही की, तिलावत किताब इलाही की, कुरान की तिलावत, कि जैसे शहद की मक्खी के छत्ते से उन मक्खियों की आवाज आती है, ऐसे मुसलसल मुसलसल आवाज आ रही थी। ये ताबीर मुअर्रिखीन की है, मजबूर हूं कि ये ताबीर जिक्र करूं। और गवाहियां बहुत से अफराद तारीख में मौजूद है, ये तस्करे होते नहीं हैं लेकिन जिक्र कर दूं, बहुत से अफराद तारीख करबला पढ़े। अभी दुनिया करबला से आशना नहीं है पूरी तरह, अभी तफसीर करबला बाकी है। दुश्मन फौज के बहुत से अफराद जिनको यह बताया गया था कि नऊज़ुबिल्ला एक खारिजी ने खुरूज किया है, नऊज़ुबिल्ला ये बातिल पर हैं, वो आए और उन्होंने खयाम हुसैनी की पुश्त पर आके कान लगा के सुना और उसके बाद कहा अल्लाह अकबर, वहां तो रक्सो सरूद है, वहां तो शराबें पी जा रही है, और ये जिन्हें हम कहते हैं नऊज़ुबिल्लाह खारिजी, ये तिलावत और जिक्र इलाही में मशगूल। बहुत से अफराद मुनकलिब हो गए, शब गुजरी, सुबह आशूरा नमुदार हो गई, सुबह हुई और अब्बास को फिर पाबंद कर दिया हुसैन ने। कैसे पाबंद किया, कैसे पाबंद किया? पाबंद करने के लिए एक चीज काफी थी, अब्बास के हाथ में आलम दे दिया। अब्बास के हाथ में आलम दे दिया, भैया अब्बास तुम हमारी फौज के सिपा सालार हो। अल्लाह अकबर, हुक्म इमाम के आगे अब्बास सर ने उड़ाए खड़े हैं, मालूम है अलम मिलने की जिम्मेदारियां क्या है। यानी जब तक फौज का एक फर्द भी बाकी है, अब्बास को जंग करने की इजाजत नहीं मिलेगी। अल्लाह अकबर, और यही हुआ, बार बार अब्बास आए, बार बार, क्या मुझे रुख्सत है, क्या मुझे इज़्ज़त है, क्या इजाजत है कि मैं जाऊं और अपनी जान निसार कर दूं? तुम तो आलमदार हो, तुम तो आलमदार हो भैया, आलमदार न रहेगा तो फौज का भरम कैसे बाकी रहेगा। ये मेरे कलिमात हैं, ये मैं तर्जुमानी कर रहा हूँ, मैं कैसे बताऊं हुसैन की कैफियत क्या थी, मैं उन कलिमात को कहां से लाकर आपको सुनाऊं जो हुसैन अब्बास को समझाने के लिए कहते रहे। हुसैन आलम संभाले रहे, यहां तक अब्बास आलम संभाले रहे, यहां तक के एक एक सहाबी शहीद हो गया, एक एक अजीज शहीद हो गया, जब अकबर भी शहीद हो गए, मोहम्मद भी शहीद हो गए, कासिम भी शहीद हो गए, अब अब्बास सर ने उड़ा के आए, आका अब तो इजाजत दे दे। अजरकुम अल्लाह, बस दो जुमले, बस दो जुमले अर्ज करना चाहता हूं, अब तो इजाजत दे दे। सरकार सैयदुश्शुहदा ने फिर वही जुमला कहा, भैया भैया तुम मेरे लश्कर के आलमदार हो, आप अब्बास के पास कमाल अदब के साथ भी एक जुमला कहने के लिए था, सर ने उड़ा के कहा आका वो लश्कर कहाँ है, अब वो लश्कर कहाँ है जिसका मैं आलमदार हूँ।
कर दिया। अच्छा तो फिर बच्चों के लिए पानी की कुछ सबील करो। अब्बास ने मश्क ली, मैदान में गए बेपनाह जंग की। अब्बास की जंग बयान करने का मौका ही नहीं मिलता, आज भी नहीं है। बेपनाह जंग की है अब्बास ने, दरिया तक पहुंचने के लिए। बस मकसद क्या था? दरिया तक पहुंचना, दरिया तक पहुंचना, मशकीजे का भरना। मशकीजा भर के अब्बास की बस एक ही आरजू थी, किसी सूरत से ये माश खैमे तक पहुंच जाए। यानी अब जंग की फिक्र नहीं थी, अब अब्बास को जंग की फिक्र नहीं थी, अब मश्क की हिफाजत थी। एक हाथ में आलम, एक में नैजा, मशकीजा, किसी सूरत से मश्क खैमे तक पहुंच जाए, किसी सूरत से सकीना की प्यास बुझ जाए, किसी सूरत से रुखैया की प्यास बुझ जाए, किसी सूरत से असगर की प्यास बुझ जाए, किसी सूरत से आका के कदमों में पानी पहुंच जाए। अब्बास तेजी से खैमे की तरफ आ रहे हैं। एक शकी आगे बढ़ा और उसने एक सितम किया, छुप के एक वार किया, अब्बास का एक शाना कलम हो गया। अब्बास अभी हिम्मत नहीं हारे, मश्क को फौरन दूसरे हाथ में संभाला। इरादा देखो अब्बास का, इरादा, अब्बास की हिकमत, अब्बास की फिरासत, अब्बास का हुनर। कटे हुए हाथ से फौरन मश्क को दूसरे हाथ में ले लेना, घोड़े से उतरे बगैर, अब्बास का हुनर है। और उसके बाद कुछ दूर आगे बढ़े, एक शकी ने दूसरा शाना कलम किया, अब्बास ने मशकीजे को दांतों से थामा। खैमे तक पहुंचा, एक तीर चला और मशकीजे पर लगा, पानी बहना शुरू हुआ। अब्बास का दिल वही टूट गया। अब अब्बास ने रुख मोड़ दिया, अब खैमे की तरफ ले जा रहे अब्बास। अब्बास का रुख मुड़ गया और किसी शकी ने फर्क़े मुबारक पर गुर्ज लगाया। बस अब इसके बाद मैं कुछ कहने की सकत नहीं रखता। एक जुमला सुन ले, अब मैं कुछ कहने की सकत नहीं रखता। अब किताबों में जाकर वो नौहा पढ़ ले जो उम्मुल बनीन ने अब्बास का नौहा का। अब्बास की दुखियारी माँ, अब्बास की गमजदा माँ, उस माँ का नौहा पढ़ लें। वो सीना पीट के कहती थी, हाय मेरे अब्बास, मुझे बताया गया कि किसी शकी ने तेरे सर पे हमला किया, अरे तेरा हाथ सलामत रहता तो किसकी मजाल थी जो तेरे सर पे हमला कर दे। और दूसरा जुमला, मेरे बेटा मेरे लाल अब्बास, अरे सब शहीद जब जमीन पर आते हैं तो हाथों को टेक देते हैं। मेरे भैया मेरे बेटा, अरे हाथ तो कट चुके थे, जब जमीन पर आया तो सिर के बल जमीन पर आया। जख्मी सर अब्बास का और जख्मी हो गया। वाह अब्बास, वाह अलिया, वाह हुसैना। अभी हमारे चैनल अज़ादार हुसैन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें।